तो हेलो गाइस, अगर आपका भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है और अगर आप जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप है, अगर आप इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन करके आप कोई भी काम अपने घर बैठे ही कर सकते हैं इस ऐप से, तो अब आप जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप, आप इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप इस ऐप में बड़ी आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो आज की इसमें आपको सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो अब आपको ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, पहले यहाँ पर आपको सही सही ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर बहुत से ऐप आ जाते हैं प्ले स्टोर पर, तो जैसे आपको यहाँ पर अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जैसे ही आप सर्च करेंगे, इस ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा होगा IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप। पहले आप यहाँ पर इस ऐप को देख लें, यह रियल ऐप है, यही है इंडिया पोस्ट पेमेंट वाला ऐप। आप यहाँ पर देख लें 15 MB का ऐप है। तो ऐप को आने के बाद आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको भी इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा यह IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, आपके सामने इस ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर यह परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको अलाउ करना है, अलाउ करना है, यहाँ पर आपको अलाउ करते जाना है। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। अब यहाँ पर फिर से आपको अलाउ कर देना है। अब आप देख सकते हैं इस ऐप का आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आप लैंग्वेज कोई हिंदी करना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर इंग्लिश ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर आप यहाँ से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नया अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं इसी ऐप से। अगर आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो ओपन योर अकाउंट नाउ पर क्लिक करना है। और आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पहले से अकाउंट है और आप जो इसकी बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग ऐप, इसको यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लॉगिन नाउ पर क्लिक करना है। तो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट है, तो अब हम यहाँ पर इसकी बैंकिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग यूज करने के लिए लॉगिन नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पर जो आपका अकाउंट नंबर हो वह अकाउंट नंबर एंटर करना है और कस्टमर आईडी। अगर आपको कस्टमर आईडी नहीं पता, तो इसके बाद एक और वीडियो मिलेगी आपको, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह वीडियो देखकर आप यह जान सकते हैं कि आपकी कस्टमर आईडी क्या है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। आप यहाँ से कैलेंडर पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, जो ईयर हो, आपको ऐसे करके यहाँ पर सेलेक्ट करते जाना है। यहाँ पर आपको जल्दी से सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और नीचे मोबाइल नंबर। आपके जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो अकाउंट है, आपका उस अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है, वही मोबाइल नंबर यहां पर आपको एंटर करना है। जो आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मोबाइल नंबर लिंक हो, वही मोबाइल नंबर एंटर करना है। बस आपको यहाँ पर यह 4 डिटेल्स एंटर करनी है और आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर्ड का, तो उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर यह सब कुछ फिल करके रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर न्यू एम पिन, री एंटर एम पिन। अब यहाँ पर आपको कोई 4 डिजिट की पिन सेट कर लेनी है। यही वाली जो आप ऊपर एम पिन एंटर करेंगे, वही वाली एम पिन आपको री एंटर एम पिन में एंटर करनी है। आपको दोनों में सेम एम पिन एंटर करनी है। जब आप नेक्स्ट टाइम इस ऐप में लॉग इन करेंगे, तो आपको यही एम पिन एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट की एम पिन सेट कर लेनी है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट एम पिन का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो अब हम यहाँ पर एम पिन एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर दोनों जगह सेम एम पिन एंटर करनी है और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सेट एम पिन का, तो हम यहाँ पर सेट एम पिन पर क्लिक करते हैं।
जैसे ही आप सेट एम पिन पर क्लिक कर देंगे, फिर रोथ किट विद ओटीपी, फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वह ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपके पास 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर ओटीपी एंटर कर लेते हैं। तो हम ओटीपी यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करेंगे, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी हम इस ऐप में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको पिन डालनी है। जो आपने यहाँ पर पहले पिन सेट की थी, वही पिन एंटर कर देनी है। फिर आप इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पिन सेट करके। अब आपको वही एम पिन डालनी है और आप इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद इस ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, फिर आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं।